टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी उतनी ही अच्छी है। वैसे जरूर बना ट्राई करें एक बार। बम्बूल की फली बनाने की सामग्री नोट कीजिए। थोड़ी सी बम्बूल की फलियां, उसमें हमें चाहिए नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, जीरा, हींग, ऑयल। इन्हीं सब सामग्रियों से हम बम्बूल की फलियां बनाएंगे। सबसे पहले हमें बम्बूल की फलियों को दो दो पीस में तोड़ना है। ये देखिए, हमने पहले से इसको इस प्रकार से कट करके रखी है, ये दो पीस में। ये जो फली है लंबी लंबी, इन फलियों को हमने इस प्रकार से ये दो पीस पीस दो दो पीसों में तोड़ना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये जो बम्बूल की फलियां हैं ये कड़क नहीं होना चाहिए। ये बम्बूल की फली जितनी छोटी या बारीक होगी नहीं उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि बड़ी जब हो जाती है और ये कड़क हो जाती है तब इसके अंदर बीजे बन जाते हैं। ये देखिए, अभी इसमें बीजे नरम मुलायम है। अगर ये बीजे कड़क हो जाते हैं तो इसकी सब्जी सही नहीं बनती। तो हमें एकदम नरम नरम और छोटी फली हो। ये देखिए, ये फली कितनी बारीक है। इस प्रकार की बारीक बारीक फलियों को ही हमने यूज़ में लेना है। अब इन सभी फलियों को हम इस प्रकार से बारीक बारीक तोड़कर अब हम इसे पानी में बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसे हमें पानी में इतनी देर तक बॉईल करना है कि इसका जो तूरापन है, थोड़ा सा हल्का सा तूरापन होता है इसके अंदर, वो तूरापन पूरा पानी में निकल जाए। और ये जब पानी में उबल जाएगी तो उबलने के बाद इसका रंग कत्थई कलर का हो जाएगा। तो अब हम इसे पानी में डालकर उबालने का शुरू करते हैं। अब हम ये जो फलियाँ हैं, इन फलियों को एक स्टील की तपेली में डालकर इस प्रकार से थोड़ा पानी डाल देते हैं और हम इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हमने बम्बूल की फली को बॉईल होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बॉईल होने में ही। नमक डाल देने से इसका जो फीकापन है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चूना, ये जो पान की दुकान में जो चूना होता है बस वही लिक्विड चूना, हम इसमें थोड़ा सा चूना डाल दें। चूना डाल देने से इस बम्बूल की फली में जो हल्का सा तूरापन और कसेलापन जो होता है वो निकल जाता है और ये और अधिक टेस्टी बन जाती है। अगर आप चूना नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर चूना मिल जाता है तो चूने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा चूना डाल दें। हमारी बम्बूल की फली उबल कर तैयार हो चुकी है। हमने बॉयल होने के बाद ये देखिए इसको पानी छान कर साफ कर लिया है। इसे फ्राइंग पैन भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस फ्राइंग पैन में ऑयल लेते हैं। बम्बूल की फली हमें फ्राई करने के लिए थोड़ा अधिक ऑयल लगता है इसके अंदर। अब ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले राई डालते हैं। जब ये राई अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद ये जो हमने फली थी अंदर फ्राई होने के लिए, क्योंकि फली पहले से ही बॉईल हुई है, उबली हुई फलियाँ हैं, इसलिए इसे बहुत अधिक सेकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम मसाला डालते हैं। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हींग चुटकी भर,
गरम मसाला स्वादानुसार, ये सभी मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब अंत में हमें डालना है इसमें अमचूर, आम पाउडर, एक चम्मच हम इसमें अमचूर डाल देते हैं। अब अंत में नमक, सॉल्ट स्वाद अनुसार, सभी मसाला डालकर हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है। ये देखिए मसाला लगभग भुनना शुरू हो चुका है। इसका टेस्ट आंवले की लौंजी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ अलग हट के टेस्ट है इसका। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं इस प्रकार से। अब हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट और इसे सेकना है, उसके बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल सकते हैं। बम्बूल की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाएं, इसे ज़रूर बना ट्राई करें एक बार। इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए कुकेरिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।